हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज विश्व शर्मा, योर बिजनेस टीचर। टुडेज टॉपिक इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आज हम टॉपिक लेकर चलेंगे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेकर चलते हैं, इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस देखना है कि मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी क्यों है। मैनेजमेंट इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होता है, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी बताया था मैंने फीचर में, तो ग्रुप एक्टिविटी ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कौन? मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट हेल्प टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प करता है इंप्रूव करने में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, जो प्रोडक्शन, जो भी वर्क हमें करना है वो टाइम पर तो हो, बस किस पे, मिनिमम कॉस्ट पर भी होना चाहिए, और रिसोर्सेज का कम से कम यूज, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होना चाहिए, तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट, इट क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, उसको क्रिएट किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प टू अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि हमारे पर्सनल के क्या ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प भी मैनेजमेंट ही करता है। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प इन डेवलपिंग सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना, इन सभी चीजों में डेवलपमेंट सोसाइटी में भी हेल्प करता है मैनेजमेंट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चलेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लियरली ध्यान से सुनना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे। तो मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तीन तरह का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि खुद कंपनी का खुद का एक उद्देश्य होता है, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो वर्क कर रहे हैं उस सोसाइटी सोशल के लिए भी उसके प्रति उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, और पर्सनल जो वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके भी खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, क्लियर है। तो मैनेजमेंट सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस के तीन टारगेट होते हैं, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले, कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर आती है, सबसे पहले प्रॉफिट कमाने की नहीं सोचती है, क्या सोचती है, किसी तरह मैं सर्वाइवल, यानी कि मार्केट में स्टैंड कर सकूं, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट है, उसके अंदर मैं खड़ा हो सकूं। तो ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल करना, कहां पे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर, क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट हो गया सर्वाइवल। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। जब वो सर्वाइव कर चुके होते हैं कहां पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर चुकी होती है कहां पर, बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर, तब वो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि अब हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट कमाने के बाद, जब वो सर्वाइव भी कर चुके हैं, प्रॉफिट भी कमा चुके हैं, नेक्स्ट सोचते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि हम अपने बिजनेस को फैलाए, ग्रोथ करे बिजनेस की, 1 यूनिट से 2 यूनिट करे, 2 यूनिट से 3 यूनिट करे, ठीक है ना। तो तीन है, मार्केट में सबसे पहले सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने के बाद, मार्केट में स्टैंड होने के बाद आपको प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना है, और प्रॉफिट कमाने के बाद आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ के और एक्सपेंशन फैलाने के बारे में सोचना है। तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जिन भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, उनकी क्वालिटी डिजायर्ड होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, यानी कि सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिजायर्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें फोकस करते हैं कि आपकी क्वालिटी तो अच्छी हो, साथ साथ उस प्रोडक्ट का आप रीजनेबल प्राइस, सोचने समझने लायक प्राइस भी होना चाहिए। ये नहीं कि इस मार्कर का प्राइस मैं 10 रुपए की जगह 20 रुपए की जगह 200 रुपए बता रहा हूँ, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, जिसको कस्टमर आसानी से खरीद सके, क्लियर है। नेक्स्ट सोसाइटी के प्रति नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराना, जनरेट करना, ये भी सोसाइटी के लिए है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी।
अगर आसपास की कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो आप डोनेशन भी करें, क्लियर है ना। यानी कि कम्युनिटी को सपोर्ट करना है फाइनेंशियल रूप से भी, जिससे कि वो आपका हमेशा साथ दे, क्लियर है। नेक्स्ट, सोसाइटी के प्रति लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूज इको फ्रेंडली मेथड्स। प्रोडक्शन करने के जो मेथड्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट पे कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे कि कोई हमारी कंपनी के, कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ना ही खड़ा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका क्या टारगेट होता है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहली चीज, उन्हें एक चीज चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी। यानी क्या चाहिए, जो दूसरी, भाई मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, दूसरी कंपनी में एक और प्रोडक्शन मैनेजर है, तो दोनों की सैलरी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए। जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो मार्केट में सैलरी चल रही है, कॉम्पिटिटिव सैलरी एम्प्लॉयज को चाहिए। पर्सनल ग्रोथ, उसकी ट्रेनिंग, उसका डेवलपमेंट, उसका प्रमोशन, ये भी वो चाहता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरा पर्सनल का ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय की ग्रोथ भी हो। नेक्स्ट, पीर रिकॉग्निशन। पीर रिकॉग्निशन का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, जिससे कि वो काम करने में प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो और प्रोडक्शन अच्छे से करे। नेक्स्ट है सोशल रिकॉग्निशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में, आसपास की सोसाइटी में इज्जत होनी चाहिए, जिससे कि सोशल रिकॉग्निशन, मैं एम्प्लॉय हूँ उस कंपनी का तो मुझे भी इज्जत मिले, क्लियर है। गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा, उसको क्या चाहिए, वहां की जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, वो गुड भी हो, अच्छी भी हो और हेल्थी भी हो, हमारे लिए ठीक हो। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये क्विक रिविजन चल रहा है, और क्विक रिविजन के अंदर मैं आपको इसके नोट्स भी और इसके रिलेटेड केस स्टडी भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्लियर है। थैंक्स।